वेलकम स्टूडेंट्स। सो जो हमारा चैप्टर है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसका आज हम पार्ट थ्री स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि पार्ट थ्री में क्या है। सो स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने साइटोलॉजी के बारे में जाना था, स्टेम सेल्स के बारे में जाना था, स्टेम सेल्स के टाइप देखे थे दो टाइप, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और अडल्ट स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स के यूजेस देखे थे इसमें। उसके बाद हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में डिटेल स्टडी की थी, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशंस के बारे में डिटेल स्टडी की थी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने देखा था कि हम आई, लंग्स, लीवर, हार्ट, पैनक्रियास, किडनी, स्किन, बोन जैसे ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोडक्शन देखा था। क्या देखा था? बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था, समझा था कि बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यानी हम जेनेटिक चेंज लाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्लांट में, किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के इजीनेस के लिए। क्या करने के लिए? ह्यूमन के इजीनेस के लिए। सो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से ब्रांचेस इंक्लूड है साइंस के। तो साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड है। और ये इन सब से मिलके हम क्या करते हैं? क्रॉप्स की वैरायटी बढ़ाते हैं, क्रॉप्स की क्वालिटी बढ़ाते हैं, एनिमल्स का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो ये सब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में। फिर हमने देखा था, हमने कुछ चीज़ें भी बना ली हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स लाइक इंसुलिन हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड। तो ये सब हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये सब एंजाइम्स को रेडी किया है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज, मतलब कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, कौन कौन से फील्ड में, ऐसा कौन कौन सा फील्ड है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो वो हम देखते हैं। यूज़ ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड एल्कोहल फ्रॉम मोलासेस। सो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम माइक्रोब्स को यूज़ कर पा रहे हैं। माइक्रोब्स का यूज़ किस लिए कर रहे हैं? हम योगर्ट प्रोडक्शंस के लिए, मिल्क से योगर्ट बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, और अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, किससे? मोलासेस से। मोलासेस मतलब आप किसी भी फ्रूट का जूस निकालेंगे और उसे हीट करेंगे तो आपको एक ब्राउनिश सब्सटेंस मिलेगा जिसे हम बोलते हैं मोलासेस। सो माइक्रोब्स की एबिलिटीज़ को जान के हमने माइक्रोब्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, किस लिए स्टूडेंट्स? योगर्ट प्रोडक्शंस के लिए और अल्कोहल प्रोडक्शंस के लिए। यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव ऑफ द सेल, यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल, एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। सो अब हम क्या कर रहे हैं? हम सेल्स का यूज़ जान लिए, साइटोलॉजी की स्टडी कर लिए, सेल्स का यूज़ जान लिए, और उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? उस सेल की एबिलिटी को जान के हम उन सेल से एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स जैसे चीज़ें बना रहे हैं। और स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या स्पेसिफिक वैक्सीन्स को बनाता है स्टूडेंट्स। थर्ड है यूज़ ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर। अब हम बायोमोलिक्यूल्स का भी यूज़ कर पा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स हो गए स्टूडेंट्स आपका डीएनए जैसा, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, तो इन सब का भी यूज़ हम कर रहे हैं हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हमारे ह्यूमन इजीनेस के लिए। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशंस। तो अब हम क्या कर रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में हमारे डिजायर क्वालिटी ला पा रहे हैं। किस तरह से? जीन्स में चेंजेस करके, उनके डीएनए सीक्वेंसेस में मैनिपुलेशन करके, चेंजेस करके, कुछ तो उसमें से कुछ उसमें हम कैरेक्टर्स डाल रहे हैं डीएनए मैनिपुलेशन करके, और कुछ कैरेक्टर्स निकाल रहे हैं। तो जो डिजायर कैरेक्टर हम उनमें डालेंगे हमारे जो प्लांट और एनिमल्स में, और जो डिजायर कैरेक्टर नहीं है उन्हें हम निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लांट और एनिमल भी डेवलप कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो ह्यूमन ग्रोथ में हमें हेल्प करता है। तो ये सब में होता है स्टूडेंट्स। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी हम
जेनेटिकली बना पा रहे हैं बैक्टीरियाज का यूज़ करके, कैसे यूज़ करके, बैक्टीरियाज के यूज़ करके हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी बना रहे हैं। फिफ्थ है स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक्स। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यूज, एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। तो हम यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक, हम या तो जेनेटिक टेक्निक्स, जेनेटिक टेक्निक्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स, डीएनए सीक्वेंस में चेंज, डीएनए मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन, ये सब टेक्निक्स किसमें आएंगे, जेनेटिक। नॉन जेनेटिक मतलब या तो हम सेल को यूज़ करेंगे या तो हम टिश्यू को यूज़ करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जैसे टिश्यू कल्चर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डीएनए को हाथ नहीं लगाते, यहाँ पे हम सेल या किसी टिश्यूज को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड वगैरह जो भी है, यहाँ पे भी हम डीएनए को हाथ नहीं लगाते, हम एक पेड़ के साथ दूसरे पेड़ को क्या करेंगे, दूसरे प्लांट को क्या करेंगे, जॉइन करते हैं और उनसे जो नया सीड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड बोलते हैं। तो इस तरह से हम जेनेटिक और नॉन जेनेटिक टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इंक्लूड होता है बायोटेक्नोलॉजी के स्टडी में। यहाँ इस जगह पे, इस एरिया, इस फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। आप जितने भी यूजर्स देख रहे हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हैं स्टूडेंट्स। Use of biomolecules, use of productivity of cells, use of various abilities of the microbes, development of plants and animals, ये सब क्या है, ये सब possible हुआ है किससे स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। किससे हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये सब possible हुआ है। अब हम देखते हैं benefits of biotechnology, क्या क्या benefits है बायोटेक्नोलॉजी के, हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, देखते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन ऑफ क्रॉप लैंड एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ज़मीन कम है स्टूडेंट्स तो भी आप अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं। आप प्लांट के डीएनए सीक्वेंस में मैनिपुलेशन लाएं ताकि प्लांट ज़्यादा यील्ड दे सके, तो आपके कम जगह में भी हमें ज़्यादा प्रोडक्शंस मिल जाएगा, पर हेक्टर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने वाला है स्टूडेंट्स। सेकेंड है, एक्सपेंसेस ऑन डिजीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल होते गए, वैसे वैसे हमने ऐसे प्लांट्स भी बनाए जो कि क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है। क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब उनमें अगर डिजीज नहीं होगा तो वो प्लांट बच रहेंगे और हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटी यील्ड पर एनम हैज़ बीन इंक्रीज। तो हमने ऐसे भी प्लांट्स बनाए जो क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को जल्दी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्वालिटी में भी दे सकते हैं और टाइम भी कम लगेगा हमें। तो पर एनम इससे क्या होगा, पर एनम अमाउंट हमारा इंक्रीज हो चुका है फ्रूट्स का भी। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटी विच कैन बी विदस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर, वाटर स्ट्रेस, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक्सेट्रा हैज बिकम पॉसिबल। तो ऐसे प्लांट्स भी हमने बना लिए जो कि ज़्यादा टेम्परेचर भी सह सकें और अगर वाटर उन्हें कम मिलता है तो भी वो ग्रो कर सकेंगे और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में कुछ चेंज भी होता है तो भी वो क्या करेंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स को भी हमने क्या कर चुके हैं, डेवलप कर चुका है। तो इस तरह से हम जहाँ पे सैंडी एरिया वहाँ पे भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये क्या है, ये सब हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया है। क्या करके किया है स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये सब पॉसिबल हुआ है। तो क्या क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ज़्यादा क्रॉप्स यील्ड ला सकते हैं कम जगह में, हमने रेजिस्टेंस वैरायटी, रेजिस्टेंस फ्री वैरायटी प्लांट्स को भी तैयार किया, हमने ऐसे प्लांट्स को तैयार किया जो फास्ट फ्रूट दे सकें और हमने ऐसे प्लांट्स को भी तैयार किया जो कम या ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकते हैं या उन्हें पानी मिले ना मिले तो भी वो रह सकते हैं और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल उनके लिए भी मैटर नहीं करता, ऐसे प्लांट्स भी हमने बना लिए है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं और क्या है, और स्टूडेंट्स कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हम बड़े पैमाने पे किस तरह बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, कमर्शियली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कमर्शियली मतलब पैसे के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने वेलफेयर के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इसके पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपको अच्छे से ध्यान देना है। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में कैसे बायोटेक्नोलॉजी आया है वो देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़
एस्टेब्लिश्ड द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड इन 1982। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने 1982 में क्या किया था, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी और बोर्ड को, बोर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है बायोटेक्नोलॉजी, पूरे बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं उनको संभालता है, वो क्या, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, जो 1982 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। दिस बोर्ड वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1986। तो इसी बोर्ड को क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया। किसने चेंज किया स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, जिसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है। ये कब हुआ था स्टूडेंट्स, 1986 में। वेरियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बहुत से इंस्टीट्यूट है, बहुत से कॉलेजेस, बहुत से इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में काम करते हैं स्टूडेंट। इट इंक्लूड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जितने भी इंस्टीट्यूट, ये सब किसके अंडर में काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ये सब काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देयर आर फैसिलिटीज ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन दिस इंस्टीट्यूट, फ्रॉम वेयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैव परस्यूड PhD डिग्री एंड आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सब इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन फैसिलिटीज है, हायर रिसर्च फैसिलिटीज है, और यहाँ से बहुत से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, PhD डिग्री को यहाँ पे सक्सेसफुली मिली है इन्हें। PhD डिग्री क्या मिली, PhD डिग्री इन्हें यहाँ पे सक्सेसफुली मिली, और ये सब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारे जो क्या है, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को हम कमर्शियली किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं। पहला स्टूडेंट्स, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, क्या स्टूडेंट्स, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, तीसरा है ह्यूमन हेल्थ, और फिर हमारा चौथा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिसे हम वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी बोलेंगे, और फिफ्थ है हमारा इन्वायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो और सिक्स्थ है हमारा फूड बायोटेक्नोलॉजी, और सेवन्थ हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इन सब जगहों पे हम कमर्शियली क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी क्या स्टूडेंट्स, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इम्प्रूव्ड यील्ड एंड वैरायटी। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करेंगे, हाई वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज के क्या करेंगे, प्लांट को, क्रॉप्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो उसमें भी क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स, हाइब्रिड सीड्स, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करेंगे, हाइब्रिड सीड्स बनाएंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाएंगे। तो इस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्रॉप में यूज करेंगे, हमारे फार्म्स में यूज करेंगे, हमारे जो खेत में है एग्रीकल्चर में उसे हम यूज करेंगे। तो देखते हैं हाइब्रिड सीड्स क्या होता है, क्या होता है, जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड्स ऑफ वेरियस क्रॉप, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिड सीड्स में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जीन्स हैं, जो जीन्स हैं दो डिफरेंट क्रॉप्स के, उसे हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक हाइब्रिड बनाएंगे। क्या बनेंगे, दो जीन्स को हम कंबाइन करेंगे और एक हाइब्रिड क्रॉप बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे हाइब्रिड सीड्स। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सीड्स बोलेंगे। और ये स्पेशली हम फ्रूट्स के लिए करते हैं, क्या करते हैं, स्पेशली हम ये फ्रूट्स के लिए करते हैं। तो हम एक ऐसा क्रॉप बनाएंगे जिसमें हमारे दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर हों। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर मुझे इस प्लांट का एक कैरेक्टर पसंद है और इस प्लांट का एक कैरेक्टर पसंद है, तो मैं क्या करूँगा, इनका जीन्स और इसका जीन्स क्या करूँगा, रिकम्बाइन करूँगा और एक हाइब्रिड सीड बनाऊंगा, और उस हाइब्रिड सीड से मुझे एक हाइब्रिड प्लांट मिलेगा स्टूडेंट्स। सो
इस तरह से हम हाइब्रिड सीड्स बनाएंगे और ये ज़्यादा फ्रूट्स के लिए हम करते हैं। देखते हैं बी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब जो हमने मॉडिफाई किए वो क्रॉप्स हैं उन्हें हमने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है, कुछ तो उनमें चेंजेस लाए। जैसे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉप्स डेवलप्ड विद डिजायर्ड कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद देयर जीनोम आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हाई यील्डिंग वैराइटीज विद रेजिस्टेंस टू डिजीज, अल्कलिनिटी, वीड्स, अदर स्ट्रेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट। तो यहाँ से नाम पे ही समझ में आ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब उनके जीन्स में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे उनके जीन्स में कुछ क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इनमें क्या होगा, अगर ये किसी प्लांट का डीएनए है स्टूडेंट्स, क्या है, किसी प्लांट्स का डीएनए है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स का डीएनए ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड कैरेक्टर का डीएनए ऐड कर देंगे। अब ये क्या हो गया, ये मॉडिफाइड हो गया, ये जेनेटिकली क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। अब हमें इस प्लांट में क्या मिलेगा, हमें इस प्लांट में अपने डिजायर्ड कैरेक्टर मिलेंगे और इसके जो पहले के कैरेक्टर्स हैं वो भी मिलेंगे। हाइब्रिड में हम क्या करते थे, हाइब्रिड में हम पूरा जीन्स मिलाते थे, इसका जितना जीन्स है इसके साथ हम रिकम्बाइन करेंगे और जो प्लांट मिलेगा वो डायरेक्टली हाइब्रिड होगा। इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट एक ही रहेगा, हमें जो कैरेक्टर चाहिए उसका जीन हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, जो हमारा मॉडिफिकेशन इन जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, ये वाला डीएनए क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा। तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स स्टूडेंट्स। इस हाई यील्डिंग वैराइटीज विथ रेजिस्टेंस टू डिजीज, अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर हमारे क्या रहेंगे, हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर वही रहेंगे, जैसे कि हमारा प्लांट हाई यील्ड कर पाए, रेजिस्टेंस डिजीज रेजिस्टेंस हो, बेसिक इन नेचर हो और जो वीड्स है आसपास के घास है जो उसे ग्रो करने नहीं दे रहे, या तो कोल्ड या ड्रॉट से भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो ये सब हम अपने प्लांट्स में चाहेंगे, तो ये सब हमने पा लिया है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ को बना रहे हैं, रेजिस्टेंस फ्री वैराइटी, डिजीज रेजिस्टेंस वैराइटी को बना रहे हैं, अल्कलिनिटी ऐसे प्लांट्स बना रहे हैं जो बेसिक इन नेचर हो और फिर वीड्स और स्ट्रेस को भी सह सके और ड्रॉट्स को भी वो सह सके, ऐसे प्लांट्स को हम बना रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स बन चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है बीटी कॉटन्स, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, क्या स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, यहाँ पे जो ये है यही है वो बीटी कॉटन स्टूडेंट्स, क्या है बीटी कॉटन्स। तो देखते हैं क्या है बीटी कॉटन्स, अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टेरियम बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन, ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच इज फैटल फॉर बॉलवॉर्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन लीव एंड बॉल ऑफ कॉटन, इफ बॉलवॉर्म फीड ऑन लीव द टॉक्सिन डिस्ट्रॉय इट्स एलिमेंट्री कैनल एंड बॉलवॉर्म डाइज। इजी है स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे इजली आपको समझना है क्या है, ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया है, क्या स्टूडेंट्स, जो हमारा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, तो जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस ये क्या करता है, ये ऐसा सब्सटेंस बनाता है जो बॉल वॉर्म के लिए क्या होता है, क्या होता है, बॉल वॉर्म्स के लिए क्या होता है, टॉक्सिक रहता है, क्या रहेगा स्टूडेंट्स, बॉल वॉर्म्स के लिए टॉक्सिक रहता है। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस ऐसा बैक्टीरिया जो बॉल वॉर्म के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस बना सकता है। बॉल वॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, वो कॉटन्स के जो बॉल्स रहेंगे, कॉटन्स जो रहेगा उसे क्या करते हैं, उसे खा लेते हैं, क्या करते हैं, उसे खा लेते हैं और कॉटन के जो स्टेम्स हैं उसमें छेद करते हैं, क्या करते हैं, होल करने लगते हैं। तो ये जो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस है वो एक ऐसा सब्सटेंस बनाता है जो बॉल वॉर्म को क्या कर सकता है, एज अ टॉक्सिन इसके बॉडी में क्या करता है, एज अ टॉक्सिन रहता है और इसके एलिमेंट्री कैनल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस के जीन को निकाल के हमने कॉटन्स के जीन के साथ क्या किया है, ये कॉटन का जीन है,
ये क्या है, कॉटन डीएनए है स्टूडेंट्स, कॉटन डीएनए है, और बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस का ये डीएनए है। अब बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस का ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस वो टॉक्सिन क्रिएट कर रहा है, वो सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस को निकालेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे इस सीक्वेंस को लगा देंगे, ताकि जो ये डीएनए है ये क्या करे, ये टॉक्सिन भी क्रिएट कर पाए, क्या करे स्टूडेंट्स, ये टॉक्सिन भी क्रिएट कर पाए। तो इससे ही हमने क्या बोला है, बीटी कॉटन्स। तो बीटी कॉटन्स में खास बात क्या है कि ये बॉल वॉर्म के खिलाफ क्या करेगा, टॉक्सिन क्रिएट करेगा, क्या करेगा, टॉक्सिन क्रिएट करेगा। अगर बॉल वॉर्म इस पर फीड करते हैं तो क्या होगा, बॉल वॉर्म्स डेथ हो जाएंगे, इनके एलिमेंट्री कैनल्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सो इस तरह हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कॉटन्स में डेवलप किया, कॉटन्स में मॉडिफिकेशंस लाया स्टूडेंट्स। सो ये था बीटी कॉटन्स, क्या था स्टूडेंट्स, बीटी कॉटन्स। अब देखते हैं बीटी ब्रिंजल, क्या है स्टूडेंट्स, बीटी ब्रिंजल, ये ब्रिंजल बैंगन, बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल वेराइटी इज डेवलप बाई यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। दिस इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ब्रिंजल किल्स द पेस्ट इन सेम वे एज अ बीटी कॉटन डज। ठीक है स्टूडेंट्स, यही वाला सब्सटेंस क्या करेगा, बीटी ब्रिंजल में भी हमने क्या, ये ब्रिंजल का डीएनए होगा, ये बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस का डीएनए होगा, ये वाला सीक्वेंस उसका टॉक्सिन क्रिएट करता है, फिर हमने उस सीक्वेंस को इसमें लगा दिया। अब ये ब्रिंजल का डीएनए क्या करेगा, ब्रिंजल का डीएनए, ब्रिंजल का प्लांट क्या करेगा, टॉक्सिन क्रिएट करेगा, जैसे कि बीटी कॉटन में हो रहा था। और ये टॉक्सिन क्या करेगा, जो भी पेस्ट हैं, जो भी पेस्ट्स हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या होंगे, अगर इस पे, इस ब्रिंजल पे फीड करते हैं, इस ब्रिंजल को खाते हैं, तो क्या होगा, वो उनकी डेथ हो जाएगी, उनका एलिमेंट्री कैनल डिस्ट्रॉय, जैसे कि बीटी कॉटन्स में हो रहा था, जैसे कि बॉल वॉर्म्स के साथ हो रहा था स्टूडेंट्स। सब आगे देखते हैं क्या, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, अ जीन सिंथेसाइजिंग द विटामिन ए बीटा कैरोटीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वैरायटी ऑफ राइस एज कंपेयर टू नॉर्मल वैरायटी। दिस वैरायटी व्हिच हैज बीन डेवलप्ड इन 2005 कंटेन्स 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गोल्डन राइस में क्या हो रहा है, गोल्डन राइस में क्या है, तो गोल्डन राइस में देखो स्टूडेंट्स, इजी वे है, हमने ऐसा जीन्स उठाया, हमने ऐसा जीन उठाया जो क्या करता है, विटामिन ए को क्रिएट करता है। ये जीन क्या करेगा, विटामिन ए को क्रिएट करेगा, विटामिन ए मतलब बीटा कैरोटीन। क्या कर रहा है, विटामिन ई को ये बनाएगा। तो इस जीन को हमने क्या किया है, इस जीन को हमारे नॉर्मल राइस प्लांट के साथ क्या किया है, हमने राइस, नॉर्मल राइस प्लांट का जो जीन है, नॉर्मल राइस प्लांट का जो जीन है उसके साथ हमने ऐड कर दिया है, क्या कर दिया, उसके साथ हमने ऐड कर दिया है उस जीन को। तो हमें एक ऐसा राइस प्लांट मिलता है जो क्या कर सकता है, जो 23 टाइम्स मोर विटामिन ए को बनाएगा, 23 टाइम्स मोर विटामिन ए को बनाएगा नॉर्मल वैरायटी, कंपेयर टू क्या, नॉर्मल वैरायटी वो 23 टाइम्स मोर विटामिन ए बनाएगा। तो उस राइस को हमने क्या बोला है, क्या बोला है स्टूडेंट्स, गोल्डन राइस। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे जो मल न्यूट्रिशंस है, हमारे इंडिया में जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, वो क्या होगी, वो फीड कर पाएगी पॉपुलेशन, गोल्डन राइस, कम राइस में भी उन्हें ज़्यादा विटामिन मिल सकता है स्टूडेंट्स। सो ये है गोल्डन राइस का मेन मोटिव था स्टूडेंट्स, गोल्डन राइस बनाने का मेन मोटिव था। देखते हैं आगे क्या है, हर्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट्स, क्या स्टूडेंट्स, हर्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट, देखते हैं क्या है। वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप, इफ हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड इट अफेक्ट द मेन क्रॉप टू। Due to this herbicide tolerant plant varieties of crop are being developed. Due to this it has become possible to selectively destroy the weeds.
अब वीड्स क्या होता है, पहले आपको वीड्स समझना स्टूडेंट। आप अगर खेत देखे होंगे तो वहां पे घास उग जाते हैं स्टूडेंट्स, बिना मतलब के घास उग जाते हैं। और वो जो घास होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो दूसरे जो हमारे प्लांट्स है, जो हमने बोया हुआ जो हमारा प्लांट से, जो हमारा राइस होगा, जो वीट होगा, उसे वो ग्रो होने नहीं देते, उसका न्यूट्रिशंस लेके वो खुद ग्रो होते हैं। जो ग्रासेस होते हैं वहाँ पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वीड्स बोलते हैं। और उन वीड्स को मारने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उन वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं। तो हर्बिसाइड्स क्या, हर्बिसाइड्स उस वीड्स को मारने के लिए। तो पर हर्बिसाइड जो हमारा मेन क्रॉप, हमने जो वीट राइस डाल जो भी लगाया हमने, वो उसे भी हार्म करता है। तो इसलिए हमने ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे प्लांट्स बनाए जो हर्बिसाइड्स टॉलरेंट हो, मतलब वो हर्बिसाइड्स को टॉलरेट कर जाए। क्या करे स्टूडेंट्स, हर्बिसाइड्स को टॉलरेट करे। तो हमने ऐसे प्लांट्स को ही बना लिया जो हर्बिसाइड्स को टॉलरेट करेंगे। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम हर्बिसाइड्स अगर डालते हैं हमारे प्लांट्स में तो वो सिर्फ वीड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि हमारे मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेंगे स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम सेलेक्टिव सिर्फ वीड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि हमारा कोई प्लांट डिस्ट्रॉय हो पाएगा। तो इस तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया और हमने बीटी कॉटन्स को बनाया है, बीटी ब्रिंजल्स को बनाया है, गोल्डन राइस को बनाया है और हर्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट को बनाया है। बीटी कॉटन मतलब बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी ब्रिंजल। सो इस तरह से हमने क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, हाइब्रिड सीड्स बनाए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये सब हमें पॉसिबल हुआ है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्या, बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब होता है स्टूडेंट्स खाद। हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं हमारे खेतों में स्टूडेंट्स, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में, ताकि हमारा जो सॉइल हो वो फर्टाइल रहे। पर वो क्या होते हैं, केमिकल्स रहते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर्स बनाए, मतलब एक टाइप से नेचुरल फर्टिलाइजर। क्या स्टूडेंट्स, नेचुरल फर्टिलाइजर, जिससे कि हमारे जो एग्रीकल्चर्स के जो फार्म्स है, जो सॉइल्स है, उसमें सॉल्ट वगैरह ज़्यादा जमा ना हो। तो इसलिए हमने बायो फर्टिलाइजर्स बनाए। ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ प्लांट आर इम्प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जब से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है केमिकल फर्टिलाइजर्स के जगह पे, वहाँ हमें ये मालूम पड़ा है कि स्टूडेंट्स जो प्लांट्स का नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो इम्प्रूव हो रहा है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्स करेगा इन्वायरमेंट से, वो नाइट्रोजन लेता है स्टूडेंट्स, फॉस्फेट लेता है सॉइल से, जैसे जैसे ये करेगा उतना जल्दी ग्रो होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, उतना जल्दी ग्रो होता है। अगर इसे नाइट्रोजन और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स और गैसेस नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो प्लांट ग्रो नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, प्लांट ग्रो नहीं होता है। तो जैसे हमने बायो फर्टिलाइजर यूज़ किए हैं, उस तरह से हमें पता चला है कि नाइट्रोजन फिक्सेशंस भी ज़्यादा हो रहा है और सॉल्युबलाइजेशन ऑफ फॉस्फेट भी ज़्यादा है हमारे प्लांट्स में। मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एजोबैक्टर, जिसे हम ब्लू ग्रेन अलगे भी बोलते हैं, नॉस्टेक एनेबिना एंड प्लांट्स लाइक एजोला आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट, बायो फर्टिलाइजर। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि हो गए राइजोबियम एजोबैक्टर, नॉस्टेक एनेबिना और कुछ प्लांट्स जैसे कि अजोला हो गया, इन सब का यूज़ करके हम बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं। क्या करते हैं, इन सब का यूज़ करके हम बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं। ये सब बैक्टीरियाज हम क्या करेंगे, हमारे खेतों में डाल देंगे, जो कि बायो फर्टिलाइजर का काम करेंगे। और अजोला एक प्लांट होता है स्टूडेंट, जो कि बोया जाता है, हम उन्हें जानबूझ के बोते हैं ताकि, और फिर उसे हम क्या करते हैं, उसे हम काट के हमारे खेतों में छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। अजोला प्लांट होता है और वो क्या होता है, फर्टिलाइजर्स में चेंज हो जाता है। अजोला प्लांट क्या होता है, फर्टिलाइजर्स में चेंज होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे अच्छा प्लांट है स्टूडेंट। अजोला क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए सबसे अच्छा प्लांट है स्टूडेंट्स।
In the last year, we have studied the tissue culture. Genetic improvement of the plant has become possible due to tissue culture and beside those character inherited to next generations. तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में तो आपने टिश्यू कल्चर्स के बारे में पढ़ा होगा. वहाँ पे आपने जाना होगा टिश्यू कल्चर्स का यूज़ करके हम नए नए मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं हमारे प्लांट्स में, हमारे जो भी उसे जेनेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे प्लांट्स को और नए नए कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन. प्लांट्स के हम नए नए कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, सो आज हमने बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस पढ़े हैं और देखा है किस किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया है. फिर हमने देखा है कि क्या क्या कमर्शियल एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी को, जिसमें से हमने क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी को समझा और उसमें हमने हाइब्रिड सीड्स के बारे में जाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में जाना, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे. बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, गोल्डन राइस, बायोटेक्नोलॉजी ब्रिंजल, हर्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट्स. और फिर हमने देखा कि किस तरह से कमर्शियली हम बायो फर्टिलाइजर के लिए यूज कर सकते हैं, हमारा जो बायो फर्टिलाइजर्स के लिए हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कमर्शियली हम बायोटेक्नोलॉजी को. सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री में हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ में हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, और फिर इंडस्ट्रियल्स में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, एनवायरनमेंट में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी. तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स. सो इस वीडियो में इतना ही. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में.